खेलों की नगरी कहे जाने वाले शहर इंदौर में जब भी बात खेलों की होती है तो सबसे पहला नाम चिमनबाग मैदान का ही लिया जाता है। जहां इस मैदान के कायाकल्प को लेकर लगातार नगर निगम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच MIC मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया ने मैदान का दौरा किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। चिमनबाग मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे MIC मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया के साथ कबड्डी खिलाड़ी राजेंद्र सातालकर समेत बड़ी संख्या में खिलाड़ी नजर आ रहे थे, जहां सभी ने MIC मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया के साथ निरीक्षण करने के साथ ही चिमनबाग मैदान के कायाकल्प को लेकर अहम सुझाव दिए हैं। देखिए लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ के जितने भी हमारे कोचेस हैं, जैसे यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जानकारी में आया कि 2019 में माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने 50 लाख रुपए का अनुदान नगर निगम को दिया था। उस कड़ी में करीब करीब 22 लाख रुपए का निर्माण कार्य यहाँ शुरू हुआ था। उसके बाद से इन लोगों को भी वो जानकारी नहीं है, तो ये हमारा सौभाग्य कि अभी हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे सामान्य प्रशासन के प्रभारी हैं। ऐसे ही हमारे महापौर जी का रुझान है कि खेलों की गतिविधियों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, तो हमने इस बार फंड भी 2 करोड़ रुपए का रखा है कि जितनी भी खेल गतिविधियां हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। वैसे हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गोलू शुक्ला जी भी खेल से जुड़े हुए हैं। मैं सामान्य प्रशासन का प्रभारी होने के नाते इन खेल गतिविधियों को देखता हूँ नगर निगम की ओर से, तो इस कड़ी में देखने में आया कि यहाँ खेलों को लेकर जो व्यवस्थाएँ होना थी और जो एक विचार यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ सातलकर जी इस चीज़ को देख रहे हैं लगातार इन्हों की मॉनिटरिंग में, यहाँ पर एक बहुत ही भव्य एक धरोहर बनने वाली थी कि जिसमें 12 खेलों के लिए हमें एक उपयुक्त स्थान पर्याप्त खिलाड़ियों के लिए, जैसे आज हम यहाँ नेशनल टीम का सिलेक्शन होना है तो उनके रहने करने की व्यवस्थाएँ हो जाती, उनके लिए रूम बनना थे, बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, मैंने कल ही देखी उसे, तो इसी बात को लेकर हमने आज सभी साथियों के साथ यहाँ का दौरा किया है। क्योंकि माननीय विधायक जी अभी मेरी बात हुई है उनसे, तो वो भी अभी लेके महापौर जी को भी हम 2-4 दिन में जब भी योग होगा यहाँ घूम कर एक राउंड एक दौरा करने के बाद इस जो प्रक्रिया में जो दिक्कत आ रही है उसको क्लियर कराएंगे नगर निगम से कि हमारा जो फंड दिया गया था ये अगर 22 लाख रुपये काम हुआ तो किस कारण वो ठेकेदार यहाँ काम नहीं कर रहा है, क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई, क्योंकि हमें खेलों को आगे बढ़ाना है। आज हमारे शहर में जिस तेज़ी से नशे का बच्चों की ओर आकर्षण नशा हो गया है, तो हम खेल गतिविधियों के लिए अगर ऐसे ग्राउंडों को सुसज्जित करके उनको साधन देंगे तो हमारे शहर को नाम देने वाला ये ग्राउंड है। चिमनबाग मैदान का एक ऐसा ग्राउंड है कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं, अधिकारी स्तर पर पहुँचे हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है कि हम जल्दी इस विषय को लेकर मैं महापौर जी से, विधायक जी से और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि इसमें जो भी जहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं उसको शिथिल करवा के इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराएं कि जिससे खेलों को हम प्रोत्साहित कर सकें। कुल मिलाकर देखा जाए तो खेलों की नगरी कहे जाने वाले शहर इंदौर में जब भी बात खेलों की होती है तो सबसे पहला नाम चिमनबाग मैदान का ही लिया जाता है, जहां इस मैदान के कायाकल्प को लेकर लगातार नगर निगम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच MIC मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया ने मैदान का दौरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।